हेलो गाइस, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई अमित। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जो कि बहुत ही पॉपुलर जगह है और जिसका कि बहुत सालों से आपने सुना होगा, कुरुक्षेत्र महाभारत के टाइम का जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो आज मैं आपको कुरुक्षेत्र की भूमि पर ले चलूँगा, वहाँ पर दिखाऊँगा जो ब्रह्म सरोवर, उसके बारे में बताऊँगा और एक्सप्लेन करवाऊँगा आपको पूरा, उसके बारे में दिखाऊँगा कैसा है कुरुक्षेत्र। हरियाणा में पड़ता है दोस्तों, तो आपको ब्रह्म सरोवर दिखाता हूँ मैं और उससे जुड़ी जो भी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हैं, रहस्य हैं, उनसे आपको अवगत करवाता हूँ और आपको ले चलता हूँ मैं दोस्तों ब्रह्म सरोवर की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं और आगे आपको ब्रह्म सरोवर का जो दृश्य है और उसकी रहस्यमय जानकारियाँ हैं, जो उलझे हुए कुछ पहेलियाँ हैं जो उलझी पड़ी हैं उनको सुलझाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं। गाइस, तो फाइनली मैं ब्रह्म सरोवर पर आ चुका हूँ, तो आपको ब्रह्म सरोवर पर अंदर ले चलूँगा, आपको दिखाऊँगा कैसा है ब्रह्म सरोवर, इसके बारे में आपको पूरा दिखाऊँगा कितना शानदार है, इसके बारे में रहस्य में जानकारियाँ दूँगा और इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सब दूँगा कि कैसे यहाँ आया जा सकता है, किस तरह से। तो दोस्तों देखिए, ये है ब्रह्म सरोवर, आप मेरे बैक से देख रहे हैं कितना शानदार है, ये बैक में दिख रहा है ब्रह्म सरोवर। दोस्तों ये वही ब्रह्म सरोवर है जहाँ पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, यहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी स्नान करने आए थे। तो दोस्तों आपको इसे पूरा शानदार तरीके से दिखाऊंगा किस तरह का है ये, कैसा है, तो इससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे, आपको इसे बैक से दिखाते हैं। मैं ब्रह्म सरोवर पर जा रहा हूँ, अभी आपको पूरा दिखाऊंगा बैक से क्या शानदार है और इससे रिलेटेड जो भी कहानी है उसको बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों ब्रह्म सरोवर पर, तो देखते हैं ब्रह्म सरोवर को कैसा है, किस तरह का शानदार नज़ारा है। तो दोस्तों मैं इसे आपको बैक से दिखाऊंगा। तो मैं ब्रह्म सरोवर पर आ चुका हूँ अभी, तो दोस्तों ये देखिए कितना दूर तक इसे मैं आपको बैक से दिखाऊँगा, अभी बहुत बड़ा है ये, लगभग 3 किलोमीटर में है जो ब्रह्म सरोवर है। काफ़ी शानदार जगह, आप देख रहे हैं कितनी सफाई है यहाँ पर दोस्तों, सफाई के मामले में एक नंबर है ब्रह्म सरोवर, काफ़ी शानदार जगह है। ये देखिए दोस्तों नहाने की जगह, तो इसमें पूरा दिखा रहा हूँ आपको। इस ब्रह्म सरोवर के बारे में बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा हैं जिन्होंने यहाँ पर, माना जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ किया था और इसमें नहाने पर जो पुण्य प्राप्त होता है वो माना जाता है कि लगभग एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर यहाँ पर पुण्य प्राप्त होता है। और यहाँ महाभारत काल में माना जाता है भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी नहाने आए थे, ये वही ब्रह्म सरोवर है। और इसमें माना जाता है जो दुर्योधन जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के टाइम पर रुका था तो यहीं रुका था दोस्तों, उसको मैं आपको इसी में रुका था, जो लास्ट में वो पानी में जाकर बैठता है तो यहीं पर बैठता है वो दोस्तों। तो दोस्तों आपको पूरा दिखाऊंगा ये, और यहाँ शिव जी का टेम्पल उसको दिखाऊंगा आपको पूरी तरह। तो दोस्तों चलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं, तो चलते हैं दोस्तों आपको आगे से दिखाते हैं शिव टेम्पल। जैसा कि बता रहा था, अब हम जाने वाले हैं शिव टेम्पल है जो कि ब्रह्म सरोवर के अंदर ही, जिसमें कि माना जाता है यहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं शिव जी की मतलब पूजा की थी यहाँ पर, वो टेम्पल है। इसमें आपको ले चलूँगा अंदर, दिखाऊँगा आपको पूरा। तो दोस्तों चलेंगे और आपको पूरा दिखाएंगे इसे कैसा है कैसा नहीं है, तो चलते हैं दोस्तों।
मंदिर के अंदर ले चलता हूँ मंदिर परिसर के। आपको बैक से दिख रहा होगा, ये बैक से दिख रहा है, ये वो मंदिर है जिसके अंदर ले चलूँगा। तो चलते हैं दोस्तों मंदिर में, तो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी शिव मंदिर के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और अभी देखिए जो शानदार जगह, देखिए नहाने की व्यवस्था क्या है, ये ब्रह्म सरोवर में जो शानदार यहाँ का नज़ारा है, काफ़ी सौंदर्य है जिसे देखकर किसी व्यक्ति का मन मोहित हो सकता है। शानदार जगह है ये, देखिए दोस्तों कितना शानदार लगता है। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा है। और जिस मंदिर की बात कर रहा था उसमें हम आ पहुँचे हैं ऑलरेडी, तो ले चलता हूँ आपको मंदिर परिसर के अंदर। तो दोस्तों मंदिर परिसर के अंदर चलते हैं, तो दोस्तों ले चलता हूँ आपको मंदिर परिसर के अंदर और दिखाता हूँ। तो वीडियो बनाना थोड़ा सा मना था, फिर भी मैंने हल्का सा क्लिप लिया महादेव जी का था, जो जिसका ऑलरेडी जिसे मैं आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए मेरे पीछे क्या शानदार नज़ारा, और क्या शानदार मौसम है आज का, जो काफ़ी सुहाना है, बरसात का मौसम है, काफ़ी मज़ा आ रहा है और इन्जॉय ले रहे हैं फुल। वीडियो काफ़ी अच्छा अभी तक चल रहा है, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें दिखाना बाकी है। तो अभी पहला मंदिर है, अभी तो और कुछ बहुत सारे जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इस कुरुक्षेत्र आए तो एक बार ब्रह्म सरोवर ज़रूर आए ऑलरेडी, क्योंकि ब्रह्म सरोवर जो देखने लायक जगह है, आपको आकर यहाँ काफ़ी अच्छा फील होगा। तो जैसे कुरुक्षेत्र आते हैं तो ब्रह्म सरोवर ज़रूर से ज़रूर आएँ दोस्तों, यहाँ इसे देख कर आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो दोस्तों आगे ले चलता हूँ आपको, चलते हैं। तो मैं आगे आ चुका हूँ, आगे आप देखिए ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर विराजमान है, आप देख लीजिए दोस्तों। ये है कुरुक्षेत्र में जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, मैं आपको इसे बैक से दिखाता हूँ दोस्तों, चलो चलते हैं। ऑलरेडी जो टूर है वो कंप्लीट हो चुका है ब्रह्म सरोवर का, जो चीज़ें थी मैंने आपको दिखा दी हैं इसके अंदर। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो बंद थी उनको नहीं दिखा पाया, उसके लिए मुझे खेद है। तो दोस्तों ये ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित किया गया था, और इसमें बहुत सारे रिलेटेड कहानियाँ हैं, जैसे कि यहाँ ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़ें और दोस्तों आगे चलते हैं। गीता जयंती पर यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है, जिसे देखने के लिए बाहर बाहर से लोग आते हैं, और ये काफ़ी पॉपुलर होता है ब्रह्म सरोवर में। तो दोस्तों कभी आप भी आएँ तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों आगे चलते हैं। हेलो गाइस, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते दोस्तों इसी के साथ।